नमस्कार दोस्तों, यह है मेरे पास वीवो का वीवो V27। ये देखिए दोस्तों, इस फ़ोन में एक नया अपडेट आ चुका है जिसके बारे में मैं आपसे आज बात करने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों ये जो अपडेट है, जो हमें काफ़ी डिवाइस से पहले हमें इस डिवाइस में देखने को मिल रहा है, और इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी मिल रही हैं जिससे ये डिवाइस जो है और भी ज़्यादा अच्छा बन जाता है। तो देखिए, वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये है मेरा वीवो का वीवो V27। तो आप देखिए, सबसे पहले बात करता हूँ मैं, तो इसमें आपको मिलता है सिक्योरिटी पेज लेवल जुलाई का। अभी दोस्तों जुलाई चल रही है और जुलाई का हमें सिक्योरिटी पेज लेवल देखने को इसमें मिल गया। काफ़ी सैमसंग के ऐसे डिवाइस हैं जिसमें अभी तक ये अपडेट नहीं आया सिक्योरिटी पेज वाला। दूसरा दोस्तों देखिए, अल्ट्रा गेम मोड का फंक्शन हमें इसमें मिल चुका है। तीसरा दोस्तों देखिए, कैमरे में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होकर मिली हैं। ब्लूटूथ में भी हमें काफ़ी ज़्यादा जो फंक्शन होते हैं वो इम्प्रूव कर दिए गए हैं कनेक्टिविटी को लेके। और दोस्तों हमारे डिस्प्ले में स्टेटस बार और जो नोटिफिकेशन होते हैं उसमें भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं। तो ये जो अपडेट है दोस्तों ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट हमें इस फ़ोन में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होकर मिले हैं इस अपडेट को होने के बाद। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस अपडेट के बाद इस फ़ोन की जो बैटरी है वो भी पहले के मुताबिक और भी ज़्यादा अच्छी चलेगी। तो अगर आपके फ़ोन में जो अपडेट आ चुका है तो प्रॉपर से कर लो, क्योंकि दोस्तों वीवो और जो वन प्लस वगैरह होते हैं इनमें अपडेट आ जाते हैं, और अगर आप उनको पेंडिंग में डाल देते हो तो दोस्तों वो अपने आप हट जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आपके फ़ोन में अपडेट आ चुका है तो आप फटाफट से उसे कर लो, जिससे आपके फ़ोन में नए नए फीचर इंक्लूड हो सकें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा इस अपडेट के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं किसी और अलग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।